Cheers. हेलो, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ यार। ये मेरी बीवी भी ना चैन से पीने नहीं देती भाई। मैं दो चीजों से बहुत डरता हूँ, पहली मेरी बीवी और दूसरा कौन? अरे यार दूसरे को मारो गोली, पहले घर पे जाके बीवी को मनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। सच्चा इंसान झूठ बोलने से डरता है और झूठ बोलने वाले इंसान को सच भी डरा देता है। डर वो बला है जो किसी भी इंसान से अपराध भी करवा सकता है। पर मनीष अपने जिस दूसरे डर का जिक्र कर रहा था और उनकी हत्या के 2 साल के बाद भी उनके हत्यारे बेखौफ होकर आम लोगों के बीच आजाद घूम रहे थे, कई और ऐसे गुनाहों की जमीन तैयार की थी जो मेरे सामने आने वाले थे, जिनकी असल तह तक पहुंचना मेरे और मेरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चल चल सगुफ्ता, कितना टाइम लगाएगी? जल्दी कर यार, लेट हो रही है। बैटिंग के लिए डिजाइन की गई है, हाई स्कोरिंग गेम है शगुफ्ता। अरे पागल, तू अभी से क्यों एक्साइटेड हो रही है? पहले स्टेडियम तो पहुंच जाए। राधिका आकांक्षा, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो देर हो रही है। तूने सुना हमने जो कहा? हाँ, तो क्या बोल रही थी? अरे हम ये कह रहे थे कि अपना ईयर रिंग लगा ले। दोनों के साथ तो ना सुनने वाले को भी कान में रुई डालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने अपना ईयर रिंग निकाल दिया। देखो देखो इन तितलियों को कैसे कपड़े पहनती है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? कान ना तेरे खराब है, मेरे नहीं। मेरे तो कान खराब है पर आपकी जबान ही खराब है। एक मिनट, मेरी जबान खराब है? देखो क्या कर रही है तू। अगर हिम्मत है तो ऑन कैमरा बोल के दिखाइए, आखिर दुनिया भी तो देखे आपकी सोच कैसी है। या तो आप सभी के सामने हमें सॉरी बोलेंगे या ऑन कैमरा बोले कि आपकी सोच कितनी घटिया है। अरे शगुफ्ता, आप जाने दो ना, छोड़ो ना आप। अच्छा तो आप भी ऐसा सोचते हैं जैसा लीना आंटी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ? सॉरी बोल दो वरना छोड़ेगी नहीं। मैं और इन लोगों को सॉरी बोलूंगी? क्या पागल हो गए क्या? मतलब आप अग्री करती है अपनी सोच से? हाँ हाँ बताइए ना। हाँ हाँ मैं अग्री करती हूँ, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। जब 2 साल की बच्ची का रेप होता है तब वो भी क्या यही बोलती है कम एंड रेप मी? 80 साल की बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा जाता है, वो भी क्या यही बोलती है कम एंड रेप मी? रघुवीर, सेजल, लेट्स गो। मम्मी कहाँ चलेगी? मुझे जाना पड़ेगा। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर दो। अरे सर कौन है आप जो मेरे घर में घुसे चले आ रहे हैं? अरे ये सब ऋषि चोपड़ा, आईटी डिपार्टमेंट, आपके घर का सर्च वारंट। जिस बात का सर्च वारंट? इनकम से ज्यादा संपत्ति,
हमारे पास सारा ऑडिट है परमवीर जी, आप प्रोफेशन से कॉलेज प्रोफेसर हैं और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते हो। यहाँ का लैंडलाइन डिस्कनेक्ट करो और जितने भी मोबाइल फोन से सब ले लो। सर मोबाइल। सर आइए बैठ के बात कर लेते हैं, यही मामले को निपटा लेते हैं। जैसा आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। प्लीज आप प्लीज बैठिए। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं आप? रघुवीर सर। सर मैं तो नोट करो। सर मैं तो वैसे ही बोल रहा था। चुपचाप से बैठिए वहां पर, ये लो कस्टडी में लो। दस पंद्रह। रघुवीर यहाँ के सीसीटीवी का डीवीआर कलेक्ट करो। वी नीड इट एज अ प्रूफ के यहाँ लाखों रुपए के कैश और जेवर मिले। यस सर। सो यहाँ पे साइन कीजिए प्लीज। सर प्लीज साइन कीजिए। कल सुबह 10 बजे आप मेरे ऑफिस पर रिपोर्ट करेंगे और भागने की कोशिश मत करना, आप पर नजर रखी जा रही है। ऑल ऑफ यू कम। रश्मि प्रेगनेंसी के बाद जिस तरह तुम क्रिकेट एंजॉय कर रही हो ना, मुझे तो लगता है हमारा होने वाला बेटा ना क्रिकेटर ही बनेगा। बेटा क्यों, बेटी भी होगी तो भी मैं क्रिकेटर बनेगी। हेलो कंट्रोल रूम। पीछे हटिए, पीछे पीछे पीछे। आप लोगों में से इस घर में से कौन है? साहब कल्पे साहब और रश्मि मैडम अकेले रहते थे यहाँ। आप कौन? मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ। सर घर की हालत देख लग रहा है कि शायद मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। गुप्ता आते वक्त मैंने बाहर सीसीटीवी देखा था, अंदर डीवीआर चेक करो। सर सर इनका नाम शीला है और ये इसी घर में मेड का काम करती हैं। सर इन्होंने सबसे पहले इन डेड बॉडीज को देखा था। क्या देखा था? साहब हर रोज सवेरे 8 बजे मैं यहाँ काम पे आती हूँ। आज सवेरे आप काम पे आई, डोरबेल बजा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैडम ने एक चाबी मेरे पास दे के रखी थी, मैंने उस चाबी से दरवाजा खोला और देखा तो। नाम क्या है तुम्हारे साहब और मैडम का? कल्पेश ठाकुर और रश्मि मैडम। मैडम की तो अगले महीने डिलीवरी होने वाली थी और अचानक से ये कल्पेश ठाकुर करते क्या थे? बिल्डर थे, पंजाबी बाग में उनका ऑफिस है। अच्छा इनके किसी रिश्तेदार को जानती हो? नहीं सर मैं किसी को नहीं जानती, अभी फिलहाल 6 महीने से इनके यहाँ काम कर रही हूँ। सर सर सीसीटीवी से डीवीआर गायब है, एक भी रिकॉर्डेड फुटेज नहीं है। मतलब क्रिमिनल्स पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। और कुछ मिला? नहीं सर पूरा घर अस्त व्यस्त है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ लूट कर ले गए। मैंने अंदर बेडरूम में देखा, बेडरूम के बेड पर जो गद्दा है उसे शायद उसे फाड़ा गया। घर में लूट हुई है तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये गद्दा फाड़ने का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। सर सर कल्पेश ठाकुर की कंपनी का विजिटिंग कार्ड मिला है। कल्पेश ठाकुर के ऑफिस में बात करो और आस पड़ोस में पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। क्रिमिनल्स घर के सीसीटीवी का डीवीआर निकाल कर ले गए हैं। एक काम करो पड़ोस में और यहाँ आने वाले रास्ते पर अगर कोई सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो। सर यार 2020 मैच तो मिस कर दिया पर यहाँ भी कुछ कम चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। क्या बात है यार, दबा के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या लिखा है?
दिस आंटी इज सी। लीना आंटी की ना लग चुकी है बिल्कुल सब। सीरियसली यार, जोश जोश में वीडियो तो वायरल कर दिया, पर देखना अम्मी गुस्सा करेगी। लायन 200 रुपए। 200 रुपए? मैं केशवपुरम से ना रोज आते जाती हूँ, 80 रुपए से ज्यादा नहीं लगता। अरे मैडम कहाँ जी रहे हैं 80 रुपए के जमाने में। 200 रुपए बनते हैं, लाइए 200 रुपए दीजिए। ऐसे कैसे दे दूँ 200 रुपए? ये पकड़ो 100 रुपए और 20 रुपए वापस करो, वरना पुलिस को बुलवाऊंगी और धोखाधड़ी के चक्कर में अंदर करवा दूंगी। ये लीजिए अपने 20 रुपए, समझ सकता हूँ और कोई अपने एरिया में छोड़ा होता है। क्या जब 2 साल की बच्ची का रेप होता है तब वो भी क्या यही बोलती है कम एंड रेप मी? 80 साल की बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा जाता है। कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं तुमने यार, जरूरत थी ऐसा मोबाइल में बोलने की? ये सब आपकी गलती है, आप ही हो जड़ इस सब की। अच्छा गलती करो तुम और जड़ मैं। मैं जानती हूँ शगुफ्ता कि वो कैसी औरत है, पर बेटा कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तो हम पर ही आएगा ना। पर अम्मी उन्हें आईना दिखाना भी जरूरी था, वो हमेशा ऐसा करती है और इस बार मुझसे रहा नहीं गया। और ये देखिए अम्मी, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें क्रिटिसाइज। बेटा अभी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर जरूरत पड़ने पर ना कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि अपने राइट्स के लिए लड़ना अच्छी बात है, पर बेटा ऐसे किसी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए ना। चलो फटाफट डिलीट करो ये वीडियो। पर अम्मी। चलो ये तो कल्पेश ठाकुर के घर की तरफ गए थे। बेडरूम के गद्दे का फटा हुआ मिलना और यहाँ घर के बाहर जो गाड़ी है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार लिखा हुआ है। सर कहीं आईटी रेड का चक्कर तो नहीं? गुप्ता घर में मर्डर्स भी हुए, हमें इस चक्कर को बहुत अच्छे से समझना होगा। ये देखो गाड़ी का नंबर दिख रहा है, वेरीफाई करो कि ये गाड़ी क्या वाकई में आयकर विभाग की। सर भैया वो चलेंगे? अरे नफीसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, तो मैंने सोचा कि यहीं आके मिल लूं। मुझे जो कहना था ना मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा, एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें मैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं कमिंग सर। यस कमिंग सर। मैंने गाड़ी के उस नंबर को वेरीफाई किया, नंबर फेक है। मतलब क्लियर हो गया है कि क्रिमिनल गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर आए और उन्होंने मर्डर और लूट को अंजाम दिया। मैं कमिंग सर। कमिंग सर, कल्पेश की कंपनी ठाकुर कंस्ट्रक्शन के मैनेजर विक्रांत सिंह को बुला लिया है। विक्रांत किसी पर शक है आपको? सर मुझे तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ इस सबसे। क्रिमिनल्स इस गाड़ी से कल्पेश ठाकुर के घर गए थे, कुछ अंदाजा है कौन गया होगा इससे? नहीं सर। कल्पेश के घर से सिर्फ कैश ही नहीं लूटा गया है बल्कि उनके बेड का गद्दा भी फटा हुआ मिला है। क्या वो अपने गद्दे में कुछ पैसा वैसा छुपा के रखते थे, आई मीन ब्लैक मनी वगैरह? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैनेजर थे आप कल्पेश के, उसके इनकम के बारे में अच्छे से पता होगा और ये भी पता होगा कि कितने पैसे को फेयर दिखाना है और कितने को ब्लैक मनी। सर ये मैं कैसे? अगर कुछ भी छुपाया ना हमसे तो बाद में भारी पड़ सकता है। सर आप सही कह रहे हैं, कल्पेश सर टैक्स की काफ़ी चोरी किया करते थे, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी थी उनके पास में, लेकिन सर वो थे बहुत जुगाड़ू, ले दे के कैसे भी एडजस्ट कर लिया करते थे। पहुँचा देना अनिल जी के। सर टैक्स की चोरी तो सभी करते हैं लेकिन वो हद से ज़्यादा करप्ट थे और इसीलिए मैं उनकी जॉब छोड़ने वाला था। 5 साल से वहाँ काम कर रहे थे और मर्डर होते ही जॉब भी छोड़ने लगे। लेकिन सर समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हो, अब हमें ये बताओ कि कल्पेश की फैमिली में कौन कौन है? सर उनके एक बड़े भाई हैं लेकिन वो कनाडा में रहते हैं, और हाँ रश्मि भाभी की माँ भी हैं जो इंदौर में रहती हैं। शर्मा डिटेल्स ले लो। सर आइए। सर इसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कल्पेश ने फटे हुए गद्दे में अपनी ब्लैक मनी छुपा के रखा होगा। लेकिन ये बात क्रिमिनल्स को कैसे पता चली? शबरी इसमें आईटी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। गुप्ता आईटी डिपार्टमेंट से कल्पेश के केस को समझो। सर
बात है अम्मी, 10 बज रहे और अभी तक आप बिस्तर में, तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी हरारत हो रही थी। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, मुझे जाना है, क्लाइंट के साथ ना एक मीटिंग है मेरी। तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर लीजिए। बेटा आराम की फुर्सत कहाँ है हा? पर अम्मी अब मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। आकांक्षा ने मुझे बताया था एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में, कॉलेज के साथ साथ वो भी कर लूंगी। नहीं बेटा इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कल्पेश ठाकुर, ठाकुर कंपनी का मालिक। हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस कल्पेश के बारे में और क्या क्या जानते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? एक नंबर का करप्ट बिजनेसमैन था वो, उस जैसे टैक्स पेयर पर हमारी हमेशा नजर रहती थी। टैक्स चोरी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था वो, हमारी रडार पर बहुत दिनों से था और हमने उसके यहाँ रेड भी प्लान किया था अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? हाँ अगर आपने अगले हफ्ते रेड प्लान की थी तो फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? ये देखिए वो लोग भारत सरकार की गाड़ी में आए थे, घर से सब कुछ लूट के ले गए, यहाँ तक कि बेडरूम का गद्दा भी फटा हुआ था। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमें पता चला है कि कल्पेश सिर्फ टैक्स चोरी नहीं करता था बल्कि रिश्वत भी देता था। कहीं ऐसा तो नहीं इस इल्लीगल लेन देन की वजह से डिपार्टमेंट में कोई झगड़ा? आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लीक हुई कि आप कल्पेश के घर पे रेड मारने वाले हैं और इसी बात का उन क्रिमिनल्स ने फायदा उठा के ये कांड कर दिया। ये सब बातें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं ऑफिसर, एंड आई एम श्योर कि मेरे डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ लीक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल्स गवर्नमेंट ऑफिसर के भेष में आए थे। सर मुझे अभी लग रहा है ये इसी बात से कनेक्टेड है कि कल्पेश के घर आईटी की रेड होने वाली थी। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। पता लगाओ सज्जन सिंह के अलावा इस बात को वहां और कौन जानता था? आईटी वाले हैं, उन्हें किसी भी तरह से इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने काम को किस तरह से कर रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेट किस एंगल में कर रहे हैं। मैं कमिंग सर। यस कमिंग सर। मैंने कल्पेश के घर के बाहर की पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज चेक की, वारदात से एक दिन पहले वहां के सीसीटीवी में कुछ सस्पिशियस नोटिस किया मैंने। ये वहां का फुटेज है सर। और जब मैंने कल्पेश की मेड से इस आदमी के बारे में पूछा तो वो बोली सब मुझे पता नहीं ये कौन है। लेकिन ये आदमी आपको देख के वापस जाने लगा, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? तब लगा था लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सर ये आदमी क्राइम से एक दिन पहले घर के बाहर देखा गया है, क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि ये आदमी उन क्रिमिनल से कनेक्टेड होगा? अब तक हम इस केस को सिर्फ आईटी से कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि कल्पेश ठाकुर की मेड को ये पता हो कि कल्पेश ठाकुर के साथ घर में बहुत सारा पैसा है और वो हो सकता है इस आदमी को जानती हो। मेड बोल रही है कि वो सिर्फ 6 महीने से वहाँ काम कर रही थी। सोचने वाली बात यह है कि जिस आदमी के घर पे इतना सारा पैसा है वो अपने घर की डुप्लीकेट चाबी अपनी मेड को क्यों देगा? और हो सकता है ये बात कल्पेश ठाकुर के मैनेजर को भी पता हो कि उसके घर में इतना सारा ब्लैक मनी है। हमें हर एंगल पे काम करना है। यस सर। नहीं कमिंग सर। कमिंग सर, संजीवनी सोसाइटी के सेक्रेटरी का फोन आया था, उसकी बातों से लग रहा है कि मामला काफी सीरियस है। कैसा मामला? सर सर नमस्ते सर। सर मेरा नाम राजन है, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। सर मैंने आपको कॉल किया था। सर ये बिल्डिंग फ्लैट नंबर 205 में माँ बेटी किराए पे रहते हैं सर। सर 2 दिन से गेट नहीं खोला उन लोगों ने। इस तरफ सर आइए सर, आइए सर, हटो सर। देखिए सर पेपर भी लगा हुआ है, धूप भी पड़ा हुआ। सर हमने फ़ोन भी ट्राई किया था, दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ है। राणा दरवाजा तोड़ो। Thank you.
गुप्ता सर, बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। ऐसा लग रहा है किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली है इनसे। सर मैं लूट के भी सहने सर। सेक्रेटरी बता रहा था कि ये दोनों माँ बेटी यहाँ रेंट पर रहती थी। सर ये लेडी का नाम नफीसा है और ये एक लॉयर थी सर, और उनकी बेटी वो शगुफ्ता वो यहीं कॉलेज में पढ़ते हैं। तकरीबन 1.5 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। और शगुफ्ता के फादर? सर वैसे उनको कहीं देखा नहीं, शायद वो विडो थी। फ्लैट का मालिक कौन है? सर मंजीत सिंह है, ये संत नगर में रहते हैं। मंजीत का नंबर ले लो सर। और किस किस का आना जाना था यहाँ? सर शगुफ्ता की दो फ्रेंड्स है, आकांक्षा और राधिका, ज्यादातर वो ही यहाँ आती जाती रहती है। पिछले 2 दिन में किसी को देखा था आते जाते? हाँ सर, 2 दिन पहले मैंने एक डिलीवरी बॉय को देखा था, इनके घर की डोरबेल बजा रहा था। कौन डिलीवरी बॉय? वो मुझे नहीं मालूम सर। सर पूरी बिल्डिंग के CCTV खराब है और बिल्डिंग में 1 हफ्ते से सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। हेलो मंजीत सिंह जी, हाँ आप कौन? गुप्ता सर, ये कल्पेश के मेट क्यों आए हैं जरा पता करो। सर नफीसा और शगुफ्ता जिस फ्लैट में रहती थी उसके मकान मालिक मंजीत सिंह से मेरी बात हुई। ठीक है, उसको थाने बुला लो। और उसकी नेबर शगुफ्ता की फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी कि उनका भी आना जाना था, उनके बारे में पता करो। सर मेरा वहाँ आना जाना कम ही होता था, वो फ्लैट मैंने किराए पे चढ़ाने के लिए ही खरीदा था। शगुफ्ता और नफीसा के पड़ोसी कैसे थे? मतलब उनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता होगा तो आपको पता चल ही जाता होगा। सर कईयों से उनके लड़ाई झगड़े थे, वो लोग तो चाहते थे कि मैं उन्हें वहां से निकाल दूं, कई कंप्लेंट आती थी सर उनकी। कैसी कंप्लेंट और कौन करता था? सर मुझे वहां के सेक्रेटरी सब कुछ बताते थे। सर वहां के लोगों को उनसे बहुत प्रॉब्लम थी, किसी को उनके पहनावे से प्रॉब्लम थी तो किसी को उनकी लाइफस्टाइल से, और यहां तक कि हमारे सेक्रेटरी साहब को तो उनकी बिरादरी से प्रॉब्लम थी, वो उनके सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। ये लोग कैसे हैं? क्या खाते हैं? जानो मना रखी जगह। अगर ये मांस मच्छी खानी है ना तो अपने घर में खाओ, ये कचरा गंदगी यहाँ नहीं चलेगा। एक मिनट अंकल। क्या एक मिनट? एक तो इतना साउंड बढ़ा रखा है कि पूरी सोसाइटी बैरी हो जाए। सॉरी अंकल, मैंने ईयरिंग नहीं लगा रखा था। व्हाट सॉरी, ये तमाशा बंद करो मुझे। ये कचरा कौन उठाएगा, तुम या तुम्हारी माँ? तमीज से बात कीजिए अंकल। अब तमीज तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा तुम्हारे अंदाज में। करता हूँ तुम्हारे लैंडलॉर्ड को फोन और निकलवाता हूँ तुम माँ बेटी को यहाँ से बाहर। तू देख। हाँ राजन भैया। मंजीत भाई, हमारी बिरादरी वाले होकर आपने ये किसको किराए पे घर दे दिया अपना? आप इनको बाहर निकालो अभी के अभी। हमारी बिरादरी वाले किराएदार नहीं मिल रहे आपको क्या? सर ये आए दिन की टेंशन थी, पर मैं इन्हें ऐसे कैसे निकाल सकता था? सर मैं तो इन सब बातों को मानता भी नहीं हूँ। साहब मैं उस बिल्डिंग में और आसपास के बिल्डिंग में कई फ्लैट्स में काम करती हूँ। शगुफ्ता और नफीसा के यहाँ भी काम करती हूँ? नहीं साहब, मैं उनको जानती तक नहीं। तो उनके बिल्डिंग में किसके यहाँ काम करती हूँ? मैं लीना मैडम के यहाँ काम करती हूँ जो तीसरे माले पे रहती है। पर ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि तुम्हारे कल्पेश सेठ के घर में कितना पैसा था, कहीं इस बारे में उन क्रिमिनल्स को तुमने तो नहीं बताया था? नहीं साहब, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप मुझ पर बेकार में शक कर रहे हैं। सर मैंने संजीवनी बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग के CCTV फुटेज भी चेक किए, लेकिन भारत सरकार के टैग वाले ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी जैसी कल्पेश के घर के बाहर देखी गई थी। और शगुफ्ता की माँ नफीसा भी एक मामूली लॉयर थी, किराए के फ्लैट में रहती थी, उसकी ज्यादा इनकम भी नहीं थी। सर माना दोनों केस सेम एरिया के हैं, कल्पेश की मेड दोनों केसेस में कॉमन है, लेकिन सर मेड के खिलाफ तो फिलहाल कुछ नहीं मिला और ना ही कल्पेश के मैनेजर विक्रांत के खिलाफ। IT डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन? सर हमारे इन्फॉर्मर वहां भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई काम की खबर नहीं आई। शगुफ्ता और नफीसा जिस बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी राजन क्यों कुंडली निकालो? सर एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, ये शगुफ्ता और नफीसा जिस फ्लैट में किराए पर रहती थी 2 साल पहले उसी फ्लैट में ये मनीष गर्ग और उसकी बीवी संजना गर्ग रहते थे, और सर 2 साल पहले इन दोनों का भी उसी फ्लैट में मर्डर हुआ था, हत्या के साथ साथ लूट भी की गई थी। 2 साल पहले ये इलाका मंगोलपुरी थाना के एरिया में आता था ना? जी हाँ सर, ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहीं से मिली है। मनीष और संजना का मर्डर किसने किया था? सर ये केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा था, काफी टाइम तक बैकलॉग में था, लेकिन मर्डर के 6 महीने के बाद मनीष के भाई ने वो फ्लैट मंजीत को बेच दिया था। और सर 2 साल पहले उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी ये राजन भार्गव भी था, उस केस में भी पुलिस को राजन के ऊपर ही शक था क्योंकि राजन का मनीष और संजना के साथ काफी झगड़ा हुआ था। और मंजीत बोल रहा था कि ये राजन शगुफ्ता और नफीसा को इस बिल्डिंग से निकलवाना चाहता था। राजन को लेकर आओ।
सर। तो तू चाहता ही नहीं था कि कोई तेरे पड़ोस में रहे। शगुफ्ता और उसकी माँ की बिरादरी से प्रॉब्लम थी तुझे, पर मनीष और उसकी पत्नी संजना को क्यों मारा? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, और उस केस से तो मुझे पहले ही भारी किया जा चुका है। लेकिन हम पूरी तरह से अच्छे से तेरी आरती उतारेंगे। क्या क्या कांड किया तूने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा। सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ किया तूने। पहले सिक्योरिटी गार्ड को निकाला, जानबूझकर बिल्डिंग का सीसीटीवी देखने कर रहे ताकि ये कांड कर सके, है ना? आप गलत सोच रहे सर। सर सीसीटीवी फंड की वजह से नहीं हो पाया, आप चाहे तो सोसाइटी का अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये सब गणित तो इसलिए जोड़ रहा था ताकि बाद में सफाई में पेश कर सके। नहीं सर, आप गलत शक कर रहे हैं मुझ पर। सर आप लीना और उसके पति को देखिए सर, मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उन दोनों को थी। और उस दिन सर आपसे वो कह रही थी कि उसने डिलीवरी बॉय को देखा। सर मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैंने नहीं देखा, उसने देख लिया। सर वो साफ झूठ बोल रही। लीना क्यों झूठ बोलेगी? क्योंकि सर शगुफ्ता और उसकी फ्रेंड्स ने उसका वीडियो वायरल कर दिया था। कैसा वीडियो? जब 2 साल की बच्ची का रेप होता है तब वो भी क्या यही बोलती है, कम एंड रेप मी? 80 साल की बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी टाइम से वायरल है और लीना के अगेंस्ट काफी कमेंट्स भी किए गए थे। सर ये लीना वही औरत है जिसके घर में वही मेड काम करती है जो कल्पेश के घर पे करती थी। कि मैंने उनकी ड्रेसिंग पे कमेंट किया था। तुमने क्या कमेंट किया था ये बहुतों ने देखा उस वायरल वीडियो में, और उसके बाद सोसाइटी में तुम्हारी क्या इज्जत रह गई थी ये मालूम है हमें। इसी बात का बदला लिया ना तुमने उनसे? नहीं सर, मुझे अपनी गलती का एहसास था। मैं तो शगुफ्ता और उसके दोस्तों से माफी तक मांगने गई थी। सर उन्होंने माफी तो जरूर मांगी थी, लेकिन वो सब दिखावा था। वो चाहती थी कि हम उनका फिर से वीडियो बनाए और लोगों को बताए कि वो बदल चुकी है। शगुफ्ता उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया वो एकदम सही किया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। तुम सब की वजह से मेरे में ये चेंज आया है। क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम्हें अब भी मेरी बात झूठी लग रही है? नहीं आंटी, इट्स फाइन कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, पर ये तुम्हें दुनिया को भी बताना चाहिए ना। अब तुम मेरा वीडियो नहीं बनाओगी? नो आंटी, क्योंकि मैं जानती हूँ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। सर प्रॉब्लम सिर्फ लीना आंटी में नहीं थी, उनके हस्बैंड भी कोई कम नहीं है। लीना के हस्बैंड ने क्या किया था? सर वो बेवजह शगुफ्ता में इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो परेशान हो चुकी थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। यार इतने अच्छे। हाय शगुफ्ता। शगुफ्ता कैसा चल रहा तुम्हारा कॉलेज? अच्छा चल रहा है अंकल। डोंट कॉल मी अंकल। अरे माना कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुमसे इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मुझे अंकल बोलो। ठीक है, नहीं बोलूंगा। ओके टेक केयर। ये तेरे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। पर तेरा क्या इरादा है? सर उनको गलतफहमी थी कि शगुफ्ता और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ चल रहा है। सर उनको ऐसा लगता था कि हम उनके हस्बैंड पे लाइन मारते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था सर। सर मैं किसी गलत इंटेंशन से शगुफ्ता से बात नहीं करता था, पर मेरी बीबी बेकार ही मुझ पर शक करती थी। तो इसी वजह से आपकी बीबी ने शगुफ्ता के साथ साथ नफीसा को भी रास्ते से हटा दिया। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने आपको बताया ना कि उस दिन वहाँ एक डिलीवरी बॉय आया था और शगुफ्ता के घर की डोरबेल बजा रहा था। मुझे तो लग रहा है कि वो राजन भार्गव अपना किया छिपाने के लिए मुझे झूठा साबित कर रहा है। नफीसा एक लॉयर थी, एंगल नफीसा के प्रोफेशन से भी जुड़ा हो सकता है। शगुफ्ता और नफीसा से जुड़ी छोटी से छोटी बातों के बारे में भी पता करो। राजन, दीना और निरंजन पे नजर रखो। सर 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 काफी कोशिश के बाद आईटी डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय से काम की इंफॉर्मेशन निकाली है। सर वहाँ एक राकेश मीणा नाम का आदमी सज्जन सिंह के अंडर काम करता है। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था, वो आपसे मिलने के लिए तैयार हो गया है। बुला लो। सर सर करीब 1 महीना पहले परमवीर जैन नाम का एक आदमी आईटी ऑफिस में आया था। एक्सक्यूज मी सर, सर ऋषि चोपड़ा जी से मिलना था, 10 बजे का टाइम दिया था मिलने के लिए। ऋषि चोपड़ा आईटी डिपार्टमेंट। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? सर वो आईटी इंस्पेक्टर ऋषि चोपड़ा जी ने सम्मन दिया था और कहा था कल 10 बजे ऑफिस में आकर मिले। ऋषि चोपड़ा? जी सर। मगर इस नाम का कोई ऑफिसर यहाँ काम नहीं करता। सर उनके अंडर में रघुवीर सिंह, सेजल गुप्ता और अतुल शर्मा थे, वो कल मेरे घर आए थे। मगर इन नामों के कोई ऑफिसर हमारे यहाँ काम नहीं करता। क्या? सॉरी सर, मुझे लगता है कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं चलता हूँ। रुको एक मिनट।
तुम्हें समन मिला था, इसका मतलब कल तुम्हें रेड हुई थी। नहीं नहीं सर, हमारे घर कोई रेड नहीं हुई सर। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? सर मैंने बोला ना कि मुझे गलतफहमी हुई है, बस मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो सर, सुनो। फिर वो वहां से चंपत हो गया, मुझे शक हुआ तो मैंने ये बात सज्जन सर से की। फिर हमने ऑफिस का सीसीटीवी चेक किया और उसकी प्रोफाइल निकाली, तब हमें ये मालूम हुआ ये वही परमवीर जैन है जिसके हम लोग रेड मारने वाले थे। फिर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? सर हमारी टीम ने उसके घर पे रेड डाली, मगर वहां हमें कुछ मिला ही नहीं। लेकिन तब भी हमें एक बात समझ में नहीं आई कि ये ऋषि चोपड़ा, अतुल शर्मा और रघुवीर सिंह और सेजल गुप्ता की बात कर रहा था। आप हमें परमवीर जैन का नंबर और एड्रेस दे सकते हैं? श्योर सर, थैंक यू। मैं कमेंट सर। यस कमेंट सर। मैंने नफीसा और शगुफ्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। शगुफ्ता को आखिरी कॉल एक विल कोरियर कंपनी की तरफ से आया था। दरअसल शगुफ्ता ने अपने लिए एयर एड ऑर्डर किया हुआ था और ये डिलीवरी उसी दिन होने वाली थी जिस दिन उन दोनों का मर्डर हुआ था। सर मैंने डिलीवरी बॉय को यहाँ बुलवा लिया है। गुड। और सर नफीसा के कॉल रिकॉर्ड से यह सामने आया कि नफीसा के अपने मकान मालिक मंजीत सिंह के साथ लगभग रोजाना बातचीत होती थी। अफेयर के अंकल? सर हो सकता है। ठीक है, इस मंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। सर ऋषि चोपड़ा, रघुवीर सिंह, सेजल गुप्ता, रतुल शर्मा, इनको तो जानते ही होंगे। नहीं सर, मैंने नहीं जानता। अच्छा, अगर नहीं जानते तो फिर इन लोगों ने तुम्हें 17 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट में आने का समन क्यों दिया था? सर लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। परमवीर, हम एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करें, अगर कुछ भी जानते हो तो बता दो हमें, नहीं तो बुरे फंस सकते हो तुम, समझे? सर दरअसल वो 16 मार्च को हमारे घर आए थे और कह रहे थे कि वो आईटी डिपार्टमेंट से हैं। और फिर उन लोगों ने यहाँ रेड की? हाँ सर, और अगले दिन जब मैं आईटी डिपार्टमेंट गया तो पता चला कि उन लोगों का इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। सर वो लोग बेवकूफ बनाकर हमारे घर से सब सामान लूट कर ले गए और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे के DRS भी निकाल कर ले गए। और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया, इसलिए ना, क्योंकि तुम जानते थे कि वो लोग तुम्हारी ब्लैक मनी लूट कर ले गए। जी सर, लेकिन सर उसके बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी टैक्सी चोरी नहीं करूंगा। वो चारों दिखते कैसे थे? सर चार नहीं, वो पांच थे। पांच? जी सर, एक बार गाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी पे क्या लगा था? भारत सरकार? जी सर। उन सबके स्केच बनवा सकते हो तुम? सर बात तो बहुत पुरानी है लेकिन उनके चेहरे नहीं भूल सकता मैं। हाँ सर, उस दिन मैं वहां सगुप्ता जैदी के यहाँ एक पार्सल डिलीवर करने गया था। सर मैं काफी देर तक डोर बेल बजाता रहा लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। सर तुम वहाँ 28 अप्रैल को गए थे, टाइम याद है तुम्हें? साहब करीब सुबह के 11 बज रहे होंगे सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल को करीबन इसी समय शगुफ्ता और उसकी माँ का मर्डर हुआ था। कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा सर। सर ये उन चारों के स्केचेस हैं जिन्होंने परमवीर के घर पर फेक रेट डाली थी और पूरे चांसेस हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल्पेश के घर पर भी फेक रेट डाली थी। अगर ये एक ही हैं, तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने इस तरह से परमवीर के घर पर रेट डाली कि उसने बिलीव कर लिया कि ये सब आईटी ऑफिसर्स ही हैं। इन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से किया तो फिर कल्पेश और उसकी वाइफ का मर्डर क्यों किया? सर ये तो वही आदमी लग रहा है जो उस दिन परमवीर और कल्पेश के घर के बाहर देखा गया था। ये देखिए, इस लाश की फोटो और बाकी के चार क्रिमिनल्स के स्केचेस हमने दिल्ली के सभी थानों में सर्कुलेट किए लेकिन कोई सफलता हमारे हाथ नहीं लगी। फिर हमने खबरी नेटवर्क के जरिए उन तक पहुंचने की लीड भी ढूंढने लगे। इसी कोशिश में हमें पता चला कि जिस आदमी की लाश हमें मिली थी वो आदमी 2 साल पहले तक दिल्ली में मजदूरी करता था और उसका नाम बलराम था। लेकिन उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बलराम के जानने वालों से हमें उसका मोबाइल नंबर मिला, उसके कॉल रिकॉर्ड से इस केस में हमें एक अहम लीड मिली, लेकिन हमारी ये कोशिश भी अधूरी साबित होने वाली थी। बलराम के जानने वालों से हमें उसका मोबाइल नंबर मिला, उसके कॉल रिकॉर्ड से इस केस में हमें एक अहम लीड मिली। सर 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 बता दो। शर्मा सर, मानता हूँ कि हम परमवीर के घर पे गए थे और फेक आईटी ऑफिसर बनके हमने वहां लूट की। ऋषि चोपड़ा, आईटी डिपार्टमेंट। लेकिन सर हमने नफीसा और शगुफ्ता को नहीं मारा सर। और कल्पेश और उसकी बीबी रश्मि? सर उस दिन हम कल्पेश के घर पे फेक रेट डालने गए थे लेकिन हमें नहीं मालूम था कि कल्पेश डेट चाड़ा निकलेगा।
आईटी ऑफिसर ऋषि चोपड़ा, आपके घर का सर्च वारंट। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर। अरे आप अंदर क्यों घुस रहे हैं? पूरा घर छान मारो। ऐसे कैसे घुस गए घर के अंदर? और कौन सा वारंट है? तुम सब लोगों को अच्छी तरह जानता हूं मैं, अभी पुलिस को फोन करता हूं। हमें उन्हें मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो अगर आपको फोन कर देता तो हमारी सालों की मेहनत चौपट हो जाती। सालों की मेहनत मतलब? परमवीर और कल्पेश की तरह हमने कई ब्लैक मनी रखने वालों के घर पे रेड मारी, और जब उन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चलता तो आईटी वालों के डर से वो पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं फाइल कर पाते थे। किस किस के पास ब्लैक मनी है ये तुम्हें पता कैसे चलता था? 2 साल पहले मनीष नाम के एक आदमी से हमारी बार में दोस्ती हुई थी, फिर आए दिन हम साथ साथ पीने लगे। एक दिन बातों ही बातों में उसने हमें बोला, भाई मैं 2 चीज़ों से बहुत डरता हूँ, पहली मेरी बीवी और दूसरा। दूसरा कौन है जिससे तेरे जैसा शेर डरता है? भाई जिसकी गठरी में चोर होता है ना, वो आईटी वालों से जरूर डरता है। उसके ऐसा बोलने पर हमने भाप लिया कि जरूर उसके पास ब्लैक मनी होगी, और हमने दूसरे दिन ही उसके घर पे धावा बोल दिया। उस केस में हमें कोई नहीं पकड़ पाया था सर, हमें लगा उस तरह से तो जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं उनको हम इजीली टारगेट बना सकते हैं। और बलराम तो तुम्हारा साथी था, उसको क्यों मारा? बलराम हमारे लिए टारगेट की रेकी करता था और ब्लैक मनी रखने वालों की इन्फॉर्मेशन भी निकालता था। हमें लगा कि हमें से एक बलराम ही है जिस तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, तो सर हम फंस ना जाए उस चक्कर में उसे मार दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने किसी शगुफ्ता और नफीसा को नहीं मारा सर। तेरे बाकी के साथी कौन से बिल में छुप कर बैठे हैं? फिर हमने इस केस को रिविजिट किया, शगुफ्ता और नफीसा से जुड़ी छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों के बारे में पता करना शुरू किया, और हमें एक लीड मिली। सर करीब 2 महीने पहले मैं और शगुफ्ता मार्केट जा रहे थे, तब अचानक से 2 आदमी हमारे सामने आ गए। ये क्या तरीका है? अभी तक तुम्हारी अम्मी ने हमारे पैसे नहीं दिए। राजू भैया आपने अपना काम पूरा किया होता तो पैसे देते ना। मुझे पूरे पैसे चाहिए, बोल देना अपनी अम्मी को, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? साहब मैं जब उनके घर में काम कर रहा था तो मुझे एक दूसरा बड़ा काम मिल गया था, उसका सेट पैसे भी अच्छे दे रहा था सर। मैंने सोचा मैं पहले सेट का काम खत्म कर देता हूँ और बाद में इनका काम कर दूंगा, लेकिन साहब उन्होंने वो काम दूसरे कारीगर से करवा लिया और उन्होंने मेरा बाकी का 6,000 भी नहीं दिया। सिर्फ 6,000 रुपए के लिए तूने उनको मार डाला? मनीष, कल्पेश, परमवीर ये विक्टिम तो जरूर थे, लेकिन कानून की नजर में गुनहगार भी थे। शगुफ्ता और नफीसा को बहुत पहले से ही ये दस्तक मिल रही थी कि उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मंजीत ने नफीसा से शादी की थी, लेकिन ये बात सोसाइटी में किसी को मालूम नहीं थी। राजन की धमकी, लीना और निरंजन के झगड़े, हर मोड़ पर उन्हें दस्तक मिल रही थी कि वो कभी भी किसी भी तरह के अपराध में तब्दील हो सकती थी। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।